मेरे प्यारे रोहतास वासियों नमस्कार। 2024 लोकसभा इलेक्शन के अंतिम चरण में हम सब पहुंच चुके हैं और अब तक जिस तरह से शांतिपूर्वक इलेक्शन को कराया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आगे भी इस तरह ही इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराए। साथियों, ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव नहीं, एक लड़ाई है। और ये लड़ाई है संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह हम सब देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में ना तो कोई हाई कोर्ट का आदेश का कोई वैल्यू है, ना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कोई वैल्यू है। तो जितने भी संवैधानिक है, कंस्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उन सब की कोई अब वैल्यू नहीं रह गया है। तो अंबेडकर साहब ने काफ़ी मेहनत करके ये अधिकार हमको दिलाया है, मतदान वोट का, वोट देने का अधिकार काफ़ी मेहनत करके दिलाया है। और न जाने कितने युवाओं ने अपने खून बहाया है आज़ादी के टाइम, तब जाके हमें ये अधिकार मिला है। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और वोट करने से पहले आप ध्यान रखें कि हमारा एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा जो भी महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कि सिलेंडर का आप प्राइस देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, सब कुछ का देखते हुए आप वोट करने जाएं। और मेरा तो यही बस आप सबसे अपील है कि सब चीज़ को नज़र करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। जहाँ भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको, उनके हाथों को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, देश को बचाएं। अब सब युवाओं का, हम सब युवाओं का ये जिम्मेदारी बनता है। और हमें 10 साल पहले भी देख लीजिए, 10 साल से अभी तक, 10 साल पहले क्या था सिचुएशन, अभी क्या सिचुएशन आप देख सकते हैं। महंगाई से लेकर और जो माहौल और आपसी भाईचारा में जो परेशानी आया है, वो सबको देखना है हम लोगों को। ज़्यादातर मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि ये इलेक्शन अभी है, कल चला जाएगा। आपसी भाईचारा और मिल्लत को बनाए रखें। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए, खुल के सपोर्ट कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबका अपना अपना विचारधारा है, कांग्रेस का विचारधारा है, बीजेपी का विचारधारा है, लेकिन हम सब एक आम इंसान, यहाँ पे एक जनता है, जो हम सब हैं हिंदुस्तान के नागरिक जो हैं, हम सब का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक अच्छे और समझदार और जिम्मेदार सरकार को बनाए। सरकार हमारा जिम्मेदार रहेगा तभी हमारा देश और हमारा कंट्री को डेवलपमेंट मिल सकता है। आप देख सकते हैं, आप सुन से आप डेटा को कंपेरिजन कीजिए। चाइना जो है, चाइना भी एक कंट्री है जो हिंदुस्तान से 2 साल 4 साल पहले ही आज़ाद हुआ है। आप उसका डेवलपमेंट को देख लीजिए और हिंदुस्तान का डेवलपमेंट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। ज़्यादातर बात किया जाता है कि पाकिस्तान से हमारा हिंदुस्तान काफ़ी अच्छा है, तो मेरा कहना यह है कि हम पाकिस्तान से कंपेरिजन क्यों करें। पाकिस्तान का तो पूरे विश्व में कोई भी, उनका कोई लेवल है नहीं। तो हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इससे तो कंपेरिजन करना नहीं है। हमारा देश डाइवर्सिफाई है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जिस तरह चाइना के पास आबादी बहुत ज़्यादा, उस तरह हमारे पास ही आबादी ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो हम कंपेरिजन करेंगे तो चाइना से करेंगे। तो चाइना का डेवलपमेंट देख लीजिए और हमारा डेवलपमेंट देख लीजिए, सिंगापुर का डेवलपमेंट देख लीजिए, आप जापान का देख लीजिए। जापान भी 70 साल पहले कुछ भी नहीं था और अभी जापान का टेक्नोलॉजी कितना हाई हो गया है। तो ये सब देखते हुए हम सबको, मैं इस बार इलेक्शन का वोटिंग करने जाना है कि बाकी सब कंट्री को कंपेरिजन कर लेना है, डेटा मिला लेना है और उसके बाद हम देख कंपेरिजन करना है कि हम कहाँ हैं और कहाँ और हमें जाना है। हमारे विश्व स्तर पर बहुत सारी परेशानी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ कुछ काम मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कराया है, जिसमें कि एक गरीबों का एक जो था, ये एजुकेशन, सॉरी, स्वास्थ्य रिलेटेड एक था, वो मैं स्कीम को ना, अभी नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, जो 5 लाख रुपए दिया कर दिया जाता है गरीबों को, ये बहुत अच्छा स्कीम मोदी सरकार ने लाया था गरीबों के लिए। इस चीज़ के लिए मैं बहुत तारीफ करता हूँ मोदी सरकार के लिए। और डिजिटल इंडिया में भी कुछ कुछ इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है मोदी सरकार का। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं, माननीय मोदी सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कुछ कुछ काम किए हैं, लेकिन विदेश नीति बनाने में कंप्लीट फेलियर हैं ये, और विदेश नीति इनसे बन नहीं पाया, फॉरेन पॉलिसी इनका सही नहीं है। आप जब भी जाएं, जब भी किसी भी कंट्री को देख लीजिए, उनका फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होता है। तो सेंट्रल सरकार का काम यही है कि फॉरेन का जो भी अफेयर है उसको कंट्रोल करें, उसको सही करें।
तो मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश के लिए चाहता हूँ कि आप सब भी जैसे हम युवा लोग अपने देश से प्यार करते हैं। जब हम किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ कितनी सारी परेशानियाँ हम लोगों को झेलना पड़ता है, बहुत एजुकेशन का स्तर बहुत हमारा डाउन है, इस वजह से हम सब बहुत परेशान रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप सब देखते हुए कि बाहर कितनी परेशानी होती है, हम जब सऊदी के गल्फ कोई भी कंट्री जाते हैं तो सब पे देखना है, ये सब देखते हुए हम सबको मतदान करना है। हम पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं करेंगे, पाकिस्तान से कंपैरिजन करके अब शो किया जाता है कि हिंदुस्तान तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जॉब अच्छी है, यहाँ पे हर फैसिलिटी अच्छा, रहने का सुविधा अच्छा है। तो पाकिस्तान से हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उनका विश्व स्तर पर कोई उनका रोल नहीं है, हमको कंपैरिजन ही करना है तो चाइना से करना है, और भी जो डेवलप कंट्री है, जो भी हमारे आसपास के कंट्री हैं उससे भी करना है। तो कुल मिला के ये है कि अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सब पढ़े लिखे, अब तो एजुकेशन का स्तर बढ़ चुका है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन लिटरेसी लिस्ट सबसे हाई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एजुकेशन और शिक्षा का इस्तेमाल करें और अच्छे सरकार को बनाएं, मजबूत सरकार को लाएं, देश को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बस मेरा यही आप सबसे अपील है, जहाँ भी कांग्रेस के महागठबंधन के सरकार हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दें, उम्मीदवार को मजबूती दें। बस मैं अपनी बात को यहाँ तक रखना चाहता हूँ और आपसी भाईचारा बनाए रखें और शांति, जो शांति से चल रहा है इलेक्शन उस शांति से चले, अपने अपने विचारधारा की लड़ाई है, अपने पार्टी को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सबको कंपैरिजन करना है, डाटा को आप देख लीजिए कि देश हमारा कहां से कहां पहुंच चुका है, क्या हाल हो गया है देश का। तो ये सब देखते हुए आप वोट करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।